और जैसे इन्होंने सीए में किया था, ये हर बवाल में कुछ ये शेरनियां पैदा कर देते हैं, शेरनियां। आहा, सीए के टाइम पर एक दादी पैदा कर दी थी, वो दादी दादी का हल्ला मचता रहा, अब इन्होंने ये शेरनी पैदा कर दी। जब यही शेरनी अमीश भाई, यही शेरनी शादी के बाद ये कहेगी कि मैं चाहती हूं कि मेरा शौहर दूसरी शादी ना करे, वो शरिया की गलत बात है, तो ये लोग जो उसको शेरनी बना रहे हैं उसको जूते मारेंगे, जूते। उसको भाजपा का दलाल कहेंगे, दलाल। एनालिसिस की है, ये बार बार कैसे बोल रहे हैं, और मालूम करिए कि कितने मुसलमान और मर्दों ने शादी कर ली है, चार चार। बात कहाँ की होती है, लेके कहीं जाते हैं, बात हिजाब की है और बात कहीं की कर रहे हैं, जो बात है उस पे मुद्दे पे बात करिए ना। मैंने तो दो बोला था, आप चार में कैसे पहुंच गई? मैंने तो दूसरी बोला था, आप चार में कैसे पहुंच गई? बोलने से पहले, अरे मैंने तो दूसरी बोला था, आप चार पर कैसे पहुंच गई? एनालिसिस कर ले आप तो, मैं तो पांच में भी पहुंच जाऊंगी। जाइए, आइए, ऐसा करिए, मेरे यहाँ राजस्थान में आइए, मैं आपको बांसवाड़ा लेके चलती हूँ, और तब आपको पता चलेगा कि एक एक आदमी के छह छह बीवी है। पर उसके लिए कानून है। अच्छा अच्छा, आप दो शादी का समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं, बताइए। आप मुसलमान मर्द की चार शादी का समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं, बताइए। अरे आप मुसलमान मर्द की चार शादी, तीन शादी का समर्थन करती हैं या नहीं करती? नहीं, आपको ऊंचा सुनाई देता है तो आपने पर्सनल लॉ में इसकी आवाज उठाई, और मुझे वो पर्सनल लॉ में आपने इसकी आवाज उठाई। आप कौन होते हैं? मैं पर्सनल लॉ में आपने इसकी आवाज उठाई, आपको टारगेट करने वाले हो। बात का जवाब लीजिए, बात का जवाब लीजिए। हंसने से आप क्या, पर्सनल लॉ की बात मेरे से क्यों कर रहे हैं, उन लोगों से कीजिए। आप क्या मस्खरे हैं क्या जो हंस रहे हैं? क्या कोई मजाहिया ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? आप एक संजीदा मैटर पे बात कर रहे हैं, आप एक संजीदा बहस पे, एक संजीदा चैनल पे ऐसा है, ऐसा है, ये संजीदा मैटर सिर्फ कर्नाटका के स्कूल का है, ये राष्ट्र का मुद्दा आप लोगों ने बनाया है, ये संजीदा मैटर सिर्फ कर्नाटका के स्कूल का है, राष्ट्र का मुद्दा इसको आपने बनाया है, मुसलमानों का मुद्दा इसको आपने बनाया है, ये राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा आप लोगों ने बनाया है, ये सिर्फ कर्नाटका के एक स्कूल का मुद्दा था, एक स्कूल का, आप उसको स्कूल का मुद्दा रहन दीजिए, ये इस्लाम का मुद्दा नहीं है।